आप ये बताइए ना, आप तो बंगाल और असम के दोहरे मापदंड पर बीजेपी को घेर रहे हैं। राहुल गांधी बंगाल जा क्यों नहीं रहे हैं प्रचार के लिए? देखिए, जहां हमारा संगठन अपेक्षा करता है शीर्ष नेतृत्व की, जहां पर हमारा संगठन मजबूत है, आपके जहां अधीर दृढ़ता से रंजन हम लड़ रहे हैं, चौधरी आप को, बंगाल में, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का प्रचार नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं आप? बंगाल में नहीं, प्रचार नहीं चाहिए, नहीं, वहां जब चाहिए नहीं चाहिए का प्रश्न ही नहीं। अगर हाँ राहुल गांधी जी इच्छा व्यक्त करेंगे, आप देखिए हाँ भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी से बड़ी रैली वहां पर हम लोगों ने की है, लेफ्ट ने और कांग्रेस पार्टी ने। वहां पर हमारा बड़ा जनाधार है। भारतीय जनता पार्टी को एक सिर्फ एक लाइन में मुखौटा दिखाता हूं। तमिलनाडु में 234 सीटें लड़े थे सुधांशु त्रिवेदी जी, पिछली बार 0 आई थी। वेस्ट बंगाल में 291 लड़े थे, 3 सीटें आई थी। पुदुचेरी में 30 लड़े, 0 आई। केरला में 98 लड़े, कहते थे हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, 1 सीट आई। सिर्फ असम की सरकार आपने बनाई है। मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, बिहार हारे, दिल्ली हारे, पंजाब हारे, पुदुचेरी हारे, ओडिशा हारे, उत्तर प्रदेश के अलावा एक उदाहरण आपके पास नहीं है। हाँ, सत्ता हथियाने के उदाहरण है, गोवा से लेकर मणिपुर तक में सत्ता हथियाई, लेकिन अब देश की जनता आपकी असलियत समझ गई है। आप मुद्दों पर बात कीजिए, काम के आधार पर वोट मांगिए, बंटवारे के आधार पर अब ये देश आपको सहन करने वाला नहीं ठीक है। है, जल्दी से इस पर एक जवाब अवनीजेश जी आपसे ले लेती हूँ। इस सीए पर जो दोहरा मापदंड है, और ये तो सच है। बहुत अच्छी बात कही अभय जी। दोहरा मापदंड जो है, कल रणदीप सुरजेवाला ने कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में एक ट्वीट किया। वो कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ केरल में है, बंगाल में नहीं है क्या? उसी केरल कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जिन बढ़िया विशेषणों का उपयोग आपने किया है, बंगाल में वही बोलिए ना जाकर के। और आप कह रहे हैं कि जहां राहुल गांधी की इच्छा होगी, राहुल गांधी की इच्छा नहीं हो रही पश्चिम अरे बंगाल जाने की, बंगाल में समझौता पश्चिम है बंगाल भाई। जाने। अरे बीच में नहीं बोलता आप मैं जब शिवसेना आपके, के साथ एक ही गहरे करके, एक ही रखो, करके, नहीं एक आ ही रही करके, तुम्हारी, एक ही न करके, तीन एक में ही न करके, तेरह में, जेडीयू आपके उत्तर प्रदेश खिलाफ में और चार सौ पीडीपी पच्चीस में जेडीयू से साथ सात है, होने एक के इन और बावजूद लेवल के लायक। अभय जी, अभय जी, अभय जी, बात यह है कि एक महत्वपूर्ण बात है अंजना जी, 10 सेकंड में अपनी बात करूंगा। उसमें उस शांडिल्य गोत्र का लेकर के क्या करूं, या दत्तात्रेय गोत्र का लेकर क्या करूं, आप ये बताइए कि चुनाव के अलावा कभी आपने इतने विदेश गए? राहुल गांधी, इन्होंने कहा कि बांग्लादेश में गए तो धार्मिकता दिखा रहे थे। राहुल गांधी भी विदेश जाते हैं, किस मंदिर में गए? हिंदुस्तान में नहीं गए कभी वो, चुनाव के अलावा? क्या बात करते हैं? केदारनाथ चुनाव के अलावा गए, कहीं जाते 11 हैं क्या मंदिर में? किलोमीटर पैदल एक चढ़े बात, दूसरी बात सुन लीजिए केदारनाथ। आप। अरे भारतीय सुन लीजिए जनता ना, बहुत पार्टी बार सुन लिया का आपने। अरे सुन लिया ना एक आपकी नेता बात, बताइए, अरे एक आपकी बात सुन वैष्णव लीजिए। देवी अभय पैदल जी, गए राहुल महत्वपूर्ण गांधी बात जी यह है कि 2004 बंगाल में, का मुद्दा यह है, 2015 इसमें में नहीं बोलेंगे कि केदारनाथ की बंगाल यात्रा और पर केरल की गए, कम्युनिस्ट पार्टी में क्या 2023 फर्क में है, महाकालेश्वर इसके में बारे में केदारनाथ नहीं पर बोलेंगे गए, ये। एक एक ये करके हम कहां प्लीज। बोलेंगे ना, एक एक करके दोहरा इतिहास, चरित्रार्थ अभय है जी ना। क्या, अभय जी प्लीज, अभय जी प्लीज। मैं महत्वपूर्ण बात ये कह रहा कि मैं उस गोत्र का लेके क्या करूं, अगर वहां पर बंगाल में अगर 130 एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, उस हिंसा के लिए मैं क्या करूं? मैं राम धनु को रंग धनु बदलने वाले के लिए क्या करूं? उसका शांडिल्य गोत्र लेके क्या करूं? अगर मुझे अपनी सरस्वती अरे पूजन तीन करने सौ की किसानों की स्वतंत्रता नहीं है, शहादत हो उसके गई, लिए मुझे कोर्ट में एक जाना बार कह पड़ता है देना मूर्ति प्रधानमंत्री जी विसर्जन के लिए, को तो मैं शांडिल्य गोत्र लेके क्या एक करूं? बार तो मुंह खोल लेते दत्तात्रेय गोत्र किसानों का के लेके लिए। क्या करूं? और तो सुन लो पूछते अभय कहाँ जी, रहते थे? अरे एक सेकंड अंजना जी, तो कमलनाथ पूछते कहाँ 90% रहते थे अवनीजेश मुसलमानों के जी? वोट मांग रहे थे, अवनीजेश जी, तो 90% पूछते कहाँ रहते मुसलमानों थे के वोट मांग रहे थे। कि गोत्र नहीं बताते हैं? और वारिस पठान जी, आप तो उसी तरह की पॉलिटिक्स का दूसरा हिस्सा है। अगर वहां बीजेपी के सांसद जय श्री राम का नारा लेकर अपना ओथ ले रहे थे संसद में, तो वैसी जी ने भी ऐसा ही किया। सब अपने अपने धर्म को प्रमुखता से रख रहे हैं। रिलीजन का असर्शन, यानी धार्मिक अपने आप अंजना को, जी, अपने आज आप अस्तित्व को देखिए, ठहराव देना और उसको असर्ट करना, सबका सबका वही हाल है। इनकी कोई गलती नहीं अंजना जी, ये तो अंजना बीजेपी की जी, स्क्रिप्ट बोलते ममता हैं। दीदी जल्दी ने से आज जल्दी कहा से कि जल्दी से मेरा जल्दी पुत्र से शांडे जी। लिया है, तो ये सबसे पहले तो ये इस बयान का खंडन करना चाहिए। उन्होंने अपर कास्ट, अपनी क्लास ब्राह्मणिज्म दिखाया, उन्होंने अपीसमेंट किया, तो उसमें वो लोग कहाँ जाएंगे जो 27% मुसलमान है, 22% दलित भाई बहन है, जिनका वर्णा सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, उनका गोत्र कोई नहीं है, तो उनका क्या होगा?